स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है वन मंत्रालय। कहते हैं अगर नदियां अपना रुख मोड़ लें तो प्रलय आ सकती है। इस चीज का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं, लेकिन वन मंत्रालय कहीं न कहीं इस चीजों की अनदेखी कर रहा है। तभी तो वन क्षेत्र से बहने वाली नदियों की सफाई के टेंडर को कैंसिल करते हुए टेंडर निकालने वाले एमडी पर ही कार्रवाई कर दी गई है। प्रलय से सावधान, नदियों से आ सकती है प्रलय। वन विभाग की अनदेखी से सब हो जाएगा बर्बाद। विभाग की मनमानी से मचेगी तबाही। सुप्रीम आदेश की अनदेखी, तबाही के लिए सावधान, क्योंकि यूपी में आ सकती है प्रलय। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविकता यही है और इस सच्चाई के पीछे वजह है वन विभाग की लापरवाही। इसे लापरवाही कहें या मनमानी, क्योंकि वन विभाग न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंताओं की भी परवाह नहीं कर रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि वन क्षेत्र में आने वाली नदियों की सीट की सफाई वन मंत्रालय ही करेगा, जिससे वनों की कटान रुक सके और वन क्षेत्र के आसपास बने गांव भी बाढ़ से सुरक्षित रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के वन मंत्रालय के आला अधिकारियों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि बरसात से पहले अगर नदी की सिल्ट की सफाई नहीं हुई तो नदी अपना रुख गांव की तरफ मोड़ सकती है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की गवर्निंग बॉडी है, जिसमें कि वन मंत्री महोदय हैं, एमडी हैं, एएमडी हैं और भी विभाग के प्रतिनिधि बैठे थे, जिनके अप्रूवल से एक व्यवस्था, एक कार्यप्रणाली बनाई गई कि वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों में जो कचरा जमा हुआ है सालों से, काफी दिनों से, वो जो है साफ करने के लिए, हटाने के लिए कोशिश की जाए। उसके लिए एक प्रस्ताव बनाया गया बकायदे, जिसमें कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जो कि टेक्निकल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो ए टेक्निकल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, उन लोगों ने एक प्रस्ताव बना के भेजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये जानकारी बहुत पूर्व से थी, उनको इस मामले में संस्तुति करना चाहिए था या कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, उन्होंने दोनों कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने भी आदेश दिए कि बरसात से पहले नदियों की सिल्ट की सफाई वन मंत्रालय सुनिश्चित कराए और जल्द से जल्द नदियों की सफाई का काम शुरू हो। लेकिन कहीं ना कहीं वन मंत्रालय के आला अधिकारी इन बातों को हवा में ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अवैध उगाही का जरिया बन चुके वन क्षेत्र की नदियों की सफाई के लिए जब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने अपने कदम बढ़ाए तो वन विभाग ने न सिर्फ इस दिशा में बढ़ रहे कदमों को रोक दिया, बल्कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एमडी पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। देखिए, एफआईआर जो है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के मामले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा की गई है। इसमें जो बेस है वो है एमडी का स्टेटमेंट, जो लिया गया, जबरदस्ती लिया गया है, उसको आधार बना के इन्होंने किया है। और उसमें जो उनके अधिकारी हैं, मिस्टर मनोज सिन्हा एएमडी और डीएम माइनिंग जीसी सिन्हा को भी उसमें पार्टी बनाया गया, और उन्होंने ये चाहा है, कोशिश की है कि ये जो कार्य जो बहुत पहले से उनके संज्ञान में थी कि वन निगम इको रिस्टोरेशन का कार्य जो है करने जा रहा है, न कि बालू खनन करना है। एफआईआर की कॉपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एमडी के खिलाफ है, जिसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत धारा 51, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 3A और 3B के साथ साथ 400BC का भी आरोप लगा है। लेकिन जैसा हमेशा से होता आया है, ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट से निर्णय आते आते बरसात भी आ जाएगी, जिससे एक बार फिर से जंगल में बहने वाली नदियां सिल्ट की वजह से न सिर्फ वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएंगी, बल्कि जंगल के किनारे कई गांवों को भी उजाड़कर तबाही मचा सकती है। मुख्यमंत्री कई मौकों पर ये बोल चुके हैं कि जंगल से बहने वाली नदियों के सिल्ट की सफाई होनी चाहिए, ताकि नदी का गलत कटान ना हो और आसपास की आबादी और जंगल सुरक्षित रहें। कुछ ऐसा ही निर्देश सुप्रीम कोर्ट का भी है
और इस पूरे काम की जिम्मेदारी वन विभाग के ऊपर है, लेकिन वन विभाग मुख्यमंत्री के साथ साथ कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस।